जेनेवा मोटर शो 2019 में टाटा ने चार गाड़ियों को रिवील किया है। पहली है हैरियर 7 सीटर जिसका नाम है टाटा बजर्ड, दूसरी है प्रीमियम हैचबैक अल्ट्रोस, और तीसरी है अल्ट्रोस का ही इलेक्ट्रिक वर्जन, और चौथी है माइक्रो एसयूवी जिसके कंसेप्ट को रिवील किया गया है, कोड नेम है H2X। इस एसयूवी का नाम शायद हॉर्नबिल हो सकता है। आपने सुना होगा पिछले कुछ समय में कि टाटा एक माइक्रो एसयूवी लॉन्च करने वाला है जिसका नाम हॉर्नबिल होने वाला है, हालांकि ये नाम अभी तक कंफर्म नहीं है। तो ये है उस एसयूवी का कंसेप्ट। टाटा मोटर्स ने अपनी मार्केटिंग पॉलिसी काफ़ी हद तक बदल ली है। किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के पहले वो काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं उस प्रोडक्ट का हाइप क्रिएट करने के लिए। प्रोडक्ट की टीज़र इमेजेस निकालते हैं, उसके कंसेप्ट को रिवील करते हैं, उसके बाद छोटे छोटे टीज़र वीडियोस रिलीज करते हैं ताकि मार्केट में उस प्रोडक्ट की ज़्यादा से ज़्यादा हाइप क्रिएट की जा सके। लेकिन एक बात है, जो टाटा के कंसेप्ट व्हीकल्स दूसरी कंपनियों के कंसेप्ट व्हीकल से ज़्यादा एक्साइट करते हैं वो ये कि टाटा का जो प्रोडक्शन वर्जन होता है वो इनके कंसेप्ट व्हीकल से काफ़ी हद तक सिमिलर होता है। फिर मैं चाहे बात करूं नेक्सॉन के कंसेप्ट या फिर इसके प्रोडक्शन वर्जन की, हैरियर के कंसेप्ट या फिर इसके प्रोडक्शन वर्जन की, अल्ट्रोस के कंसेप्ट या फिर इसके प्रोडक्शन वर्जन की, आप देख सकते हैं कि इनके कंसेप्ट और प्रोडक्शन वर्जन में काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ होती हैं। चलिए बात करते हैं इस कंसेप्ट व्हीकल H2X के बारे में। गाड़ी का फ्रंट टाटा की बाकी गाड़ियों से काफ़ी हटकर है। मेरा मतलब है टाटा की लगभग सभी गाड़ियों का फ्रंट राउंडेड होता है, उनका बोनेट राउंड शेप्ड होता है, लेकिन इस गाड़ी का एकदम फ्लैट और बॉक्सी शेप्ड है। टाटा मोटर्स की बाकी कंसेप्ट्स की तरह इस कंसेप्ट का भी फ्रंट काफ़ी एग्रेसिव है। हैरियर की तरह ही इस गाड़ी में डुअल फंक्शन डे टाइम रनिंग लाइट्स मिल जाती हैं और उसके नीचे ट्राई एरो हेडलैम्प्स इंटीग्रेटेड विथ फॉग लाइट्स। इसके अलावा टाटा की सिग्नेचर ग्रिल मिल जाती है और बिल्कुल सिमिलर हैरियर के कंसेप्ट की तरह इस गाड़ी में भी डुअल टोन स्पोर्टी बम्पर दिया गया है। कुल मिलाकर H2X और हैरियर का जो कंसेप्ट था कोड नेम H5X, इन दोनों ही कंसेप्ट की फ्रंट प्रोफाइल बिल्कुल सिमिलर है। बस कुछ अंतर है तो इसका फ्रंट थोड़ा बॉक्सी शेप्ड है जबकि हैरियर के कंसेप्ट का राउंडेड शेप्ड था। साइड प्रोफाइल देखेंगे तो वो भी आपको बॉक्सी शेप्ड ही लगेगी। हैरियर के कंसेप्ट H5X की तरह ही इस गाड़ी में भी काफ़ी बड़े टायर्स दिए गए हैं, लेकिन प्रोडक्शन वर्जन में आपको इतने बड़े टायर्स नहीं मिलने वाले हैं। इसके अलावा हैरियर की तरह ही इस गाड़ी में फ्लोटिंग रूफ दी गई है। इस गाड़ी के भी टेल लैम्प्स साइड प्रोफाइल में काफ़ी अंदर तक आए हुए हैं, लेकिन एक डिफरेंस जरूर है, इस गाड़ी के पीछे के गेट का डोर हैंडल अल्ट्रोस की तरह सी पिलर पर दिया गया है। इसके अलावा बात करें इसके रियर प्रोफाइल की तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको टियागो की झलक नजर आएगी। हालांकि इस गाड़ी में LED टेल लैम्प्स मिला करेंगे जो कि टियागो के टेल लैम्प से दिखने में बिल्कुल अलग होंगे, लेकिन ओवरऑल इसकी रियर प्रोफाइल काफ़ी हद तक इंस्पायर्ड होगी टियागो की रियर प्रोफाइल से। इंटीरियर की इमेजेस आप देख सकते हैं। इसका इंटीरियर एग्जैक्टली कैसा होगा, टाटा की बाकी गाड़ियों की तरह होगा या सबसे अलग होगा, ये कह पाना अभी बहुत मुश्किल है। हालांकि ये गाड़ी भी इम्पैक्ट 2.0 डिज़ाइन फिलोसफी लैंग्वेज पर ही बेस्ड होने वाली है, लेकिन इस गाड़ी के इंटीरियर में डेस्कटॉप टच स्क्रीन मिला करेगी या नहीं नेक्सॉन और हैरियर की तरह, ये कहना इस वक्त काफ़ी जल्दी हो जाएगा। इसके अलावा रियर कैबिन की बात करते हैं तो टाटा क्लेम करता है कि इस गाड़ी में आउटस्टैंडिंग इंटीरियर रूम मिलने वाला है। और रही बात प्लेटफॉर्म की तो इस गाड़ी में भी टाटा अल्ट्रोस वाला अल्फा मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म ही यूज़ किया जाएगा। हालांकि खबरों की माने तो इस गाड़ी का व्हील बेस अल्ट्रोस से करीब 50 mm कम होगा। इसके अलावा टाटा क्लेम करता है कि इस गाड़ी में एग्जेम्पलरी परफॉर्मेंस, फ्यूचर रेडी कनेक्टिविटी और आउटस्टैंडिंग इंटीरियर रूम मिलने वाला है। हालांकि अगर इंजन की बात करें तो इस गाड़ी में आपको टियागो वाला 1.2 लीटर 3 सिलेंडर रिवोट्रॉन पेट्रोल इंजन मिलने वाला है जो 84 BHP की पावर जनरेट किया करेगा 6000 RPM पर और 114 Nm का टॉर्क जनरेट किया करेगा 3500 RPM पर।
इस इंजन में लगभग 23 KMPL के आसपास माइलेज क्लेम किया जा सकता है। इसके अलावा लगभग ना के बराबर चांसेस हैं कि इस गाड़ी में डीजल इंजन भी लॉन्च किया जाए, क्योंकि आने वाले समय में इंडिया में BS6 एमिशन नॉर्म्स अप्लाई होने वाले हैं, जिसके बाद डीजल इंजन की कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाएगी और पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन के बीच का डिफरेंस काफ़ी बढ़ जाएगा, और ऐसा होने पर कस्टमर्स सिर्फ पेट्रोल इंजन को ही प्रेफर करेंगे। इसलिए टाटा अपना पैसा बचाने के लिए इसमें डीजल इंजन शायद लॉन्च ना ही करे। सिर्फ इसी में नहीं, हो सकता है अल्ट्रोज में भी आपको डीजल इंजन देखने को ना मिले। हालांकि अगर इसमें डीजल इंजन मिलता है तो वो भी आपको इसमें टियागो वाला ही मिला करेगा, 1.05 लीटर 3 सिलेंडर डीजल इंजन जो करीब 69 bhp की पावर जनरेट करता है 4000 rpm पर और 140 nm का टॉर्क जनरेट करता है 1800 rpm पर। हालांकि हो सकता है कि इस इंजन को इस गाड़ी के लिए अलग तरह से ट्यून अप किया जाए। इस इंजन में लगभग 27 KMPL का माइलेज क्लेम किया जा सकता है। वैसे तो ये एक सिर्फ कंसेप्ट व्हीकल है, इसका जो प्रोडक्शन वर्जन होगा उसके डायमेंशंस एग्जैक्टली कुछ अलग होंगे, लेकिन फिर भी इस कंसेप्ट व्हीकल के डायमेंशंस को कंपेयर किया जाए इसके कॉम्पिटिटर्स जैसे कि मारुति एग्नेस और महिंद्रा KUV 100NXT से, तो इस गाड़ी की लेंथ है 3840 mm, जो कि इग्नेस और KUV दोनों से ही लगभग 140 mm ज़्यादा है। इसकी विड्थ है 1822 mm, ये भी इग्निस और KUV दोनों से ही ज़्यादा है। हाइट है 1635 mm, ये हाइट इग्निस से तो ज़्यादा है लेकिन KUV से कम है। इसका व्हील बेस है 2450 mm, 2450 mm, ये व्हील बेस भी इग्निस और KUV दोनों से ही ज़्यादा है, हालांकि इग्निस से थोड़ा बहुत ही ज़्यादा है, सिर्फ 15 mm ज़्यादा है। वैसे तो ऑब्वियसली ये गाड़ी नेक्सॉन से छोटी है, लेकिन फिर भी अगर इस कंसेप्ट के डायमेंशंस को नेक्सॉन से कंपेयर किया जाए एक अंदाज़ा लगाने के लिए कि ये गाड़ी कितनी बड़ी होने वाली है, तो मैं आपको बता दूं कि इसकी लेंथ नेक्सॉन से 154 mm कम है, लेकिन इस गाड़ी की विड्थ 1822 mm है, जो कि 11 mm ज़्यादा है नेक्सॉन से। ये गाड़ी सिर्फ चौड़ी ही नहीं, नेक्सॉन से ज़्यादा ऊंची भी है, लगभग 28 mm ज़्यादा ऊंची है, लेकिन इस गाड़ी का व्हील बेस 2450 mm है, जो कि नेक्सॉन से लगभग 48 mm कम है। इन डायमेंशंस के आधार पर ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि ये गाड़ी लॉन्च होने के बाद अपनी सेगमेंट में सबसे ज़्यादा स्पेशियस होगी और सबसे ज़्यादा बूट स्पेस प्रोवाइड किया करेगी। अब बात आती है कि क्या यह गाड़ी लॉन्च होने के बाद टाटा की ही दूसरी गाड़ी सब 4 मीटर SUV नेक्सॉन को नुकसान पहुंचाएगी? तो मैं आपको बता दूं कि इस गाड़ी की प्राइसिंग नेक्सॉन से कम रखी जाएगी। ये गाड़ी सब 4 मीटर SUVs को कंपटीशन नहीं देने वाली, ये कंपटीशन देगी महिंद्रा KUV 100NXT जैसी गाड़ियों को और आने वाले समय में लॉन्च होने वाली मारुति फ्यूचर एस कंसेप्ट व्हीकल और हुंडई की माइक्रो SUV जैसी गाड़ियों को ये कंपटीशन देने वाली है। एक्सपेक्टेड प्राइसेस की बात करते हैं तो एक्स शोरूम प्राइसेस न्यू दिल्ली के हिसाब से ये गाड़ी 4.5 लाख रुपये से 7 लाख रुपये तक की मिल सकती है। और रही बात लॉन्च की, तो अभी तो इसका सिर्फ कंसेप्ट व्हीकल ही शो किया गया है। 2020 में होने वाले ऑटो एक्सपो में इसके प्रोडक्शन वर्जन को रिवील किया जाएगा और उसी साल के आखिर तक इसे लॉन्च किया जा सकता है। कमेंट कर मुझे ज़रूर बताइएगा कि टाटा का ये नया कंसेप्ट व्हीकल आपको कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद। Thank you.